थैंक यू सो मच, गुड टू सी यू टू एज ऑलवेज। नाउ 24 दिसंबर आज स्क्रीनिंग है, तो आप बताइए कि कितनी एक्साइटेड है 83 को लेकर। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ 83 को लेके, बिकॉज जो हमने मिस किया, हम अंडरडॉग थे 83 वर्ल्ड कप में, और जो इतनी खूबसूरत जर्नी रही है 83 वर्ल्ड कप की, वो दुनिया देखेगी 24 को, और बहुत ब्यूटीफुल फिल्म बनी है। एंड मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हम सबको पता है कि 83 में हमने वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन फिर भी जब आप पिक्चर देखोगे तो आप बोलोगे काश इंडिया जीत जाए, काश इंडिया जीत जाए, बिकॉज इतनी ब्यूटीफुल नैरेटिव है कबीर खान की, इतनी ब्यूटीफुल पोर्ट्रेल है रणवीर का, एवरीबडी इज सो गुड। सो येस, इट्स अ बिग ट्रीट फॉर ऑल ऑफ अस। और जो जिम्बाब्वे की मैच हमने मिस किया था 83 में, हमने नहीं, हमारे पेरेंट्स ने, वो भी हम देख पाएंगे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। जी हाँ, मैंने फिल्म देख ली, और मैं देखते देखते मैं बहुत रो रही थी, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव फिल्म, एंड यहाँ तक जो मेरे बच्चे हैं 38 के, वो भी रो रहे थे, हालांकि उन्होंने 83 के बारे में कुछ पता नहीं, बट इतनी प्यारी बनी है पिक्चर, इतनी खूबसूरती से बनाई गई है कि वी विल ऑल रिलेट विद इट, एंड एट द एंड ऑफ इट वी विल ऑल स्टैंड अप एंड से जय हिंद। जय हिंद। क्या प्रोड्यूसर है इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं? साजिद प्रोड्यूसर है। बिल्कुल, आई नो आप। सो डायरेक्टर तो यहां पर नहीं है, लेकिन हिस्ट्री रिक्रिएट करना कितना टफ हो जाता है? डायरेक्टर साहब अभी, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, डायरेक्टर आने वाले हैं, तो आप उनसे खुद ही पूछिएगा। इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, ही इज़ डन वेरी ब्यूटिफुल नैरेटिव। इट वॉज, आई डोंट नो, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम, बिकॉज इतना कुछ था दिखाने के लिए, जो 2.5 घंटे 3 घंटे में दिखाना पड़ता है, तो यस आप उनसे खुद ही पूछेगा। ही इज़ ऑनेस्ट, वो सरप्राइज है, वो सरप्राइज है। हाय एमचारा, माय ब्रदर इज योर, प्लीज कम। अब मैं आपको अब हवाले करती हूँ मेरे भाई के और मेरी भाभी के, सिस्टर। ये जिंदगी में मैं वो बहुत ही खुशनसीब इंसान हूँ कि दो बार ये मौका मेरी जिंदगी में आ रहा है, एक बार 83 में आया था और एक बार अब आ रहा है इन 2021 टू एक्सपीरियंस द विक्ट्री। तो इतने एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि मुझे वो पूरा मैच याद है, मैं आज और फिर दोहराएंगे। एंड थैंक्स टू द मेकर साजिद भाई इन द एंटायर टीम, कबीर, रणवीर, एवरीबॉडी, दीपिका, थैंकफुल, एंड आई एम एक्साइटेड टू सी द फिल्म। मैडम, सुपर सुपर डुपर एक्साइटेड, जो भी मेरे हस्बैंड ने बोला सब रिपीट। हम वही कहते हैं जो ये कहते हैं। यस, एब्सोल्युटली। बागी बागी कोलाहल। यस। एंड हीरो पंती, हीरो पंती टू, हीरो पंती टू, बाय बाय, बाय। थैंक यू। 83, जी बिल्कुल, मैं बहुत उत्सुक हूँ फिल्म देखने के लिए, एंड आई एम एक्चुअली बैक इन इंडिया नाउ, सो इतनी खुशी हो रही है कि दिस इज़ द फर्स्ट प्रीमियर आई एम अटेंडिंग इन कोविड टाइम्स। सो थैंक यू टू साजिद नडियाडवाला जी एंड द फैमिली फॉर हैविंग मी, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी हाउ वी वन द 83 कप, बिकॉज आई वॉज नॉट बॉर्न देन। तो ये एक एक एक्सपीरियंस रहेगा देखने के लिए आज। आई वॉज इन इटली ड्यूरिंग द लॉकडाउन, एंड अभी मेरी 1.5 साल की बेबी है मुझे, आई हैव अ डॉटर, हर नेम इज इज़ाना, एंड आई एम बैक टू म्यूजिक। माई नेक्स्ट रिलीज इज गोना बी राधे श्याम, प्रभास की जो फिल्म है, दैट इज गोना बी माई नेक्स्ट रिलीज। थैंक यू सो मच। ट्रेलर क्या, मैं 83 में मैं टीनेजर था, और मुझे याद है जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, तब हमारे पास ये टेलीविजन ये सब थे नहीं, बट जो एक्साइटमेंट था, और मुझे पूरा यकीन है कि आज वो एक्साइटमेंट उतना ही होने वाला है जब हम 83 कप जीते थे। सो मैं आया हूँ उसको चेयर करने के लिए और कप घर लेके जाने के लिए।
ट्रेलर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जिस तरह से ट्रेलर इज आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, मुझे तो गूज बम्प हो गए भाई ट्रेलर देख के. मुझे याद है जिम्बाब्वे का मैच तो किसी ने देखा नहीं था, लेकिन जब उसकी न्यूज़ आई थी रेडियो पे इतनी एक्साइटमेंट हो गई थी. और फिर जब इंडिया फाइनल्स में आ गया था और हम देख रहे थे, तब मेरे मैं एक जगह पे था जहाँ टेलीविज़न नहीं था. वो तो वो दिन मैं टेलीविज़न पे वर्ल्ड कप फाइनल देख नहीं पाया, मैंने रेडियो पर सुना था. एंड मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता वो एक्साइटमेंट. हालांकि मैंने जब हम लोग वानखेड़े स्टेडियम में भी जीतते थे तो तब भी मैंने देखा था वर्ल्ड कप. बट आई गेस तब मैं बहुत मैच्योर था एज अ किड, आई रियली एंजॉयड द 83. रणवीर इज कपिल देव. Very, very excited. Too excited. I have only heard so much about the 83 match from my parents and how big a moment that was. And today to witness it in the cinemas is something that I can't wait to do. And obviously there's so many good actors. There's obviously Ranveer Singh, Deepika Padukone, my favorites. There's Adinath Dada, who I watched growing up. So I'm really happy for him. I just can't wait to watch everyone and how the movie unfolds. It's going to be a banger. I love cricket. It's the only sport I watch. कैसा लगा 83 का ट्रेलर? बहुत ही अच्छा लगा. मैं तो सिटी मारती हूँ हमेशा, देखती हूँ तभी. Thank you so much. Good to see you. बताइए कि कैसा लगा ये 83 का ट्रेलर? आप लोग को कितने excited हैं 83 की मूवी देखने के लिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं बिकॉज बचपन से स्टोरी सुनते आ रहे हैं पापा से मामा से, और जिन लोगों ने उस ईरा को जिया है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक स्टोरी रही है ये. सो वेरी एक्साइटेड. पूरे हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट बहुत मजबूत कुन रखता है एंड मेरे डैड से मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी है 83 को लेके. एंड जब ट्रेलर देखा तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अमेजिंग होगा. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बहुत ज़्यादा क्रिकेट बहुत पसंद है. सब रोल है रेडी दादा. राजस्थान सेंटर रूम मेरा सर दादा रेडी रोल रोल. गुड टू सी यू सर. 83 बस कुछ ही दिन बाद. बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं आप? मैंने बहुत एक्साइटेड है. एक तो टीम एफर्ट था 1983 में जो कपिल सर और उनकी टीम ने ये ऐतिहासिक जीत और क्रिकेट को हमारी हिंदुस्तान में लाया, और उसी तरह अब शिवाशीष और कबीर खान एंड पूरी टीम ने मिलकर वापस ये. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू मेक दिस फिल्म एंड हैट्स ऑफ टू द ऑल द टीम कंसर्न टू मेक अ सच अ ब्यूटीफुल फिल्म फॉर आवर कंट्री. सर ट्रेलर लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है, इससे लोगों की उम्मीदें बहुत ही बढ़ गई हैं सर, एज अ प्रोड्यूसर. द ट्रेलर इज एक्चुअली 5% ऑफ द फिल्म. जब आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा. यू विल गेट सच अ गुड फीलिंग एंड दिस इज अ बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट. आर टीम रणवीर सिंह शिवाशीष एंड कबीर खान हैज गिवन टू द कंट्री. बहुत मुश्किल, और ये टीम ने इतनी एफर्ट की है 1.5 साल तक. एक एक शूज जो बने हैं, बॉल बने हैं, गोइंग बैक टू 1983. इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और इन्होंने बहुत खूबसूरती से इस फिल्म को स्क्रीन पर्दे पे लाया. मैं चाहूँगा कि सारे दर्शकों को अपने मास्क वास्क पहन कर प्लीज़ कम टू द सिनेमा टू वॉच दिस फिल्म. Superb cast, superb producer, superb director.
fantastic composer. So everything is right about the film. And really looking forward. और वैसे भी ये subject इतना interesting है, trailers इतने प्यारे हैं और very very excited. और the team, Sajid bhai, Vardha ji, all of them are very close. We've already worked with them. और एक बहुत ही गहरा रिश्ता है और बहुत ही प्यारी फिल्म बनी है. आई एम श्योर इसमें कोई डाउट ही नहीं है. सो वेरी एक्साइटेड. और ये कोविड टाइम्स में अब जब लोग निकल रहे हैं, ये और खुशी की बात है. एक जो सेलिब्रेशन का माहौल भी है, लोग कॉशियस भी हैं, सारी चीज़ें बहुत ही एक अलग दौर है. सो वेरी एक्साइटेड यार, लुकिंग फॉरवर्ड. ट्रेलर कैसा लगा आप लोगों को? ट्रेलर वेरी वेरी नाइस, सुपर्ब. और मुझे लग रहा है कि ये फिल्म एक उस एरा की फिल्म है जिसमें हमने वो कपिल देव वाली जिम्बाब्वे वाली मैच नहीं देखी है, जो रिकॉर्डेड नहीं थी. वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, बिकॉज वो मैच के बारे में हमने सुना है लेकिन कभी देखा नहीं है. एंड इट वॉज दी एपिक 175 ऑफ कपिल देव. सो वेरी वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड. एंड ऑफकोर्स शी इज, या आई मीन ऑफकोर्स 83 तो सबको पता ही है कि मैच हम जीते थे, बट ऑफकोर्स हमने वहाँ कुछ भी नहीं देखा है. सो इट्स एन एक्सपीरियंस फॉर अस टू वॉच इट इन अ मूवी जो 83 के थ्रू हम देखेंगे. द ट्रेलर्स आर रियली नाइस, वी रियली एन्जॉयड. एंड द मेन थिंग इज़ कि इंडिया की जीत का सब्जेक्ट है, तो वो जो मज़ा है कि आपकी कंट्री ने वर्ल्ड कप जीता था, सो वो एक नॉस्टैल्जिया भी है, एक एक्साइटमेंट भी है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. क्रिकेट लवर है आप लोग? मैं नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे 83 का प्रोमो इतना अच्छा लगा है दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दैट. बट आई एम अ डाई हार्ड फेवरेट प्लेयर. बहुत, अभी एक का नाम तो ले ही नहीं सकते इसमें, बिकॉज बहुत ही ग्रेट प्लेयर्स हमारे कंट्री ने हमें दिए हैं. सो थैंक यू, थैंक यू मैडम. तो चलो रोल है सबका. नहीं 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 भाई, रेडी रेडी वो थोड़ा सा रोल है. और छोटी सी सर, सबसे पहली बात तो सर, लोगों को ट्रेलर बहुत ही पसंद आ रहा जी. है जी. आप बताइए कि जो हमारी माना जाता है कि ट्रेलर आने के बाद तो 10% जो जीत है वो मानी जाती है, तो आप बताइए कैसे देखते हैं आप? नहीं, ऑब्वियसली देखिए, ट्रेलर फर्स्ट कम्युनिकेशन होता है, तो ऑब्वियसली अगर ट्रेलर लोगों को पसंद आया तो एक इंटरेस्ट आता है, वो तो पिक्चर देखना चाहते हैं. तो हाँ, हमारे ट्रेलर को बहुत ही ज़बरदस्त एक रिस्पांस मिला है. ऐसा रिस्पांस मेरे को तो कभी याद नहीं है अपनी ज़िंदगी में कि ऐसा रिस्पांस आया था. तो इसका मतलब है कि लोगों को पिक्चर का जो एक आइडिया है, जो एक यू नो स्पेस है, वो अच्छा लग रहा है, कहानी अच्छी लग रही है. तो होपफुली लोग आएंगे उसको. नहीं देखिए, सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं है. एक हिस्ट्री जो अभी भी, जो भी 40 साल की उम्र के ऊपर हैं, उनके जहन में बहुत क्लियरली उनको याद है. जो 40, 50, 60 साल के लोग हैं, उनके आप पूछिए कि उस दिन आप कहाँ थे, उन सबको याद है कहाँ थे, कब यू नो कपिल देव ने जब कप उठाया था, वो क्या कर रहे थे, और मैचेस भी बहुत अच्छी तरह याद हैं. तो ऐसे एक जो एक रीसेंट हिस्ट्री होती है और इतना आइकॉनिक मोमेंट जो होता है, उसको रिक्रिएट करने में ऑब्वियसली एक चैलेंज होता है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. क्योंकि लोगों को एग्जैक्टली डिटेल्स मालूम है, किस किस्म के कपड़े पहनते थे, क्या बॉलिंग एक्शन होते थे, बैटिंग स्टांस क्या होता था, तो वो सब रिक्रिएट करने में ऑब्वियसली बहुत ही एक अटेंशन टू डिटेल करना पड़ता है. लेकिन इस सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान, पूरी हिंदुस्तान में एक जो एक खुशी आई थी 25 जून 1983 को, वही खुशी क्या हम थिएटर में रिक्रिएट कर सकते हैं, वो हमारा एक एफर्ट है. नहीं देखिए, अभी तो बिल्कुल ही रणवीर, लोग कहते हैं कि उनको तो रणवीर सिंह दिख ही नहीं रहे, सिर्फ कपिल देव दिख रहे हैं. और सबसे बड़ा मुझे जो कॉम्प्लीमेंट आया था वो कीर्ति आज़ाद, जो 1983 टीम के मेंबर हैं, उन्होंने बोला कि मैंने जब ट्रेलर देखा तो मुझे कुछ हिस्सों में सिर्फ मेरा कप्तान दिखाई दे रहा था, मुझे रणवीर दिखाई ही नहीं दे रहा था. तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लोगों को एक ऐसा, उन्होंने इस किस्म से उसको रिसीव किया. लेकिन जब हम पिक्चर शुरू कर रहे थे, मैंने रणवीर को बोला था कि ये लुकल लाइक कॉन्टेस्ट नहीं है, इतना नहीं हमें सोचना चाहिए कि आप कपिल की तरह लग रहे हैं, बिकॉज आप सबको मालूम है कि आप एक एक्टर हो तो कपिल देव को पोर्ट्रे कर रहे हो.
आई थिंक रणवीर ने जो किया है, जिसकी वजह से वो उनकी तरह लग रहे हैं, उन्होंने जो एक्सप्रेशन जो उन्होंने पकड़ा है, जो बोलने का स्टाइल पकड़ा है, सिर्फ लुक से ज़्यादा वो एक इम्पैक्ट आता है. जिस तरीके से वो बोल रहे हैं बिल्कुल कपिल देव की तरह, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग एक्शन कपिल देव का सब जो क्रिकेट जानते हैं कहते हैं कि दुनिया में सबसे मुश्किल एक एक्शन है, लेकिन वो रणवीर ने किया है. 5 महीने उन्होंने मेहनत करी है. हम नहीं जुहू में ट्रेनिंग करते थे, यहाँ पास में कैंप है, रोज़ 5 महीने के लिए 4 घंटे क्रिकेट खेलते थे. वो आसान बात नहीं है. और ऑफकोर्स हमारा एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि कपिल देव खुद उनको आके ट्रेन करते थे कि इस तरीके से अब तुम बोल करो, और उन्होंने पास किया कि हाँ अब तुम मेरी तरह बोलिंग कर सकते हो. तो ये एक बहुत बड़ी बात है. हमने सुना कि लॉर्ड्स में आपने सेम सब कुछ रिक्रिएट किया, शूटिंग वहाँ की, तो कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, लॉर्ड्स क्योंकि फाइनल तो लॉर्ड्स में हुए थे, तो पिक्चर का क्लाइमैक्स जो है वो लॉर्ड्स में है. लॉर्ड्स वालों ने पूरा एक हमारे लिए सारा एक परमिशन दिया. पहली बार किसी भी फिल्म ने लॉर्ड्स के लॉन्ग रूम में शूट किया है, उनके लॉकर रूम्स में शूट किया है. आई थिंक बिकॉज वो भी पहचानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा आइकॉनिक मोमेंट है, एक सेलिब्रेशन ऑफ क्रिकेट है. ये सिर्फ इंडियन टीम का सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक जो भी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखता है उनके लिए ये सेलिब्रेशन है. क्योंकि एक इसे जो कहते हैं ना क्लासिक अंडरडॉग स्टोरी, जब पूरी टीम को जब पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट ही हो, कह रही थी कि इनका तो बिल्कुल ही कोई चांस ही नहीं है जीतने का, तब इन लड़कों ने जो किया है वहाँ, तो ये एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है क्रिकेट के लिए. इसलिए लॉर्ड्स ने आई थिंक हमें पूरा एक लोकेशन दिया. लॉर्ड्स में शूट करने का एक मतलब जो फीलिंग है, वही जो सारे एक्टर्स हैं वो क्रिकेट खेल चुके हैं, अपनी बचपन से खेलते आए हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक इमोशनल मोमेंट था. और सिर्फ लॉर्ड्स नहीं, हमने टनब्रिज वेल्स जहाँ पे कपिल देव ने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया 175 नॉट आउट, जो किसी ने नहीं देखा है एक्सेप्ट दोस्त जो वहाँ उस दिन मौजूद थे. दुनिया में वो वर्ल्ड रिकॉर्ड इनिंग्स किसी ने नहीं देखी है, क्योंकि बीबीसी स्ट्राइक पे थी, उसका वीडियो फुटेज है ही नहीं. पहली बार दुनिया हमारी फिल्म में क्या हुआ था टनब्रिज वेल्स में, किस किस्म का एक जो गेम डिफाइनिंग नॉक उन्होंने जो खेला था वो देखने को मिला. तो वो हमने टनब्रिज वेल्स में ही शूट किया है, पूरा का पूरा ओवल स्टेडियम में शूट किया है. और जो दूसरे स्टेडियम में, वो इतने बदल चुके हैं कि उनको तो फिर हमने रिक्रिएट करना पड़ा. कितने बड़े क्रिकेट लवर हैं? मैं देखिए, कौन हिंदुस्तानी क्रिकेट लवर नहीं है, तो मैं भी कहूँगा कि उतना ही जितना आप सब क्रिकेट लवर हैं उतना हूँ. लेकिन मैं अपने आप को क्रिकेट बफ नहीं बोलूँगा, जो मतलब कि टेस्ट मैच शुरू हुआ जो 5 दिन बैठ के देखते हैं, वो नहीं है. एंड वही एक रीज़न है, जब मेरे पास वो आइडिया आया मैंने कहा मैं एक्चुअली प्रॉब्ली बेस्ट पर्सन हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेट की वजह से कभी नहीं स्वे होऊंगा. मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमन स्टोरी है यार. 24 दिसंबर आप कुछ ही दिन बाकी रहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप ऑडियंस के लिए? फिंगर्स क्रॉस, आपको ट्रेलर अच्छा, प्लीज़ आइए और फिल्म देखिए हमारी. थैंक यू. यार बहुत हो गया. हाँ,